नोएडा सेक्टर 41 में द बिहारी किचन का हुआ शुभारंभ। आज दिनांक 27 दिसंबर 2022 को दिन मंगलवार को बिहार के लोकप्रिय विधायक तथा केंद्रीय मंत्री शाहनवाज हुसैन ने नोएडा सेक्टर 41 में द बिहारी किचन का फीता काटकर उद्घाटन किया। मंत्री शाहनवाज हुसैन ने कहा कि लोगों को अभी तक यही जानकारी है कि बिहार में लिट्टी चोखा फेमस है, लेकिन हमारा लिट्टी चोखा ही नहीं और भी कई व्यंजन जैसे चंपारण मीट, सरसों वाली मछली, बिहारी स्टाइल चिकन और चूरा, ठेकुआ, सत्तू पराठा, सत्तू कचौड़ी बिहार में जो बहुत फेमस है, जिनका स्वाद लेने के लिए लोगों को द बिहारी किचन आना होगा, जहां पर बिहार का स्वादिष्ट व्यंजन मिलेगा। इसका स्वाद वास्तव में बहुत अनोखा है। द बिहारी किचन की ऑनर मधुलता ने बताया कि द बिहारी किचन खोलने का मुख्य उद्देश्य भारतीय व्यंजनों को प्रमोट करना है, जन जन तक पहुंचाने का कार्य करना। जैसे विदेशों में सिर्फ दो या तीन चीज़ें ही खाने की थी, जैसे कोल्ड ड्रिंक, पिज्ज़ा, बर्गर, उन्होंने पूरी दुनिया को परोस दिया। लेकिन हमारे हिंदुस्तान में हजारों की संख्या में व्यंजन मौजूद हैं जिन्हें प्रोत्साहन देने की आवश्यकता है। द बिहारी किचन का उद्देश्य यही है कि हम पारंपरिक व्यंजनों को लोगों की पहुँच तक पहुँचाएँ, स्वाद के साथ लोगों को बिहारी कल्चर से भी जुड़ने का अवसर प्राप्त हो, जिसके माध्यम से नए नए रोजगार के भी अवसर लोगों को मिले और देश में अन्य जगह भी इस तरीके के जो प्रसिद्ध व्यंजन हैं उनको भी लोग प्रोत्साहन करने के लिए इसे देखकर आगे बढ़ें। नोएडा से अनुज गुप्ता की रिपोर्ट। मैं मधुलता बिहार से हूँ, ओरिजिनली बिहार से बिलोंग करती हूँ, झारखंड बिहार मेरी पली बड़ी हूँ, और मुझे खाने का बहुत शौक़ है। 20 साल से शादी के बाद मैं कुकिंग कर रही हूँ और इन्जॉय कर रही हूँ, तो मैंने खाने को एक प्रोफेशन के रूप में लेना चाहा और मैंने सोचा हर जगह के खाने तो बन रहे हैं बट बिहार का फूड इतना फेमस नहीं है, तो मैंने सोचा उसे भी थोड़ा नाम मिलना चाहिए। बस मैं सोच रही थी बच्चे बड़े हो गए, कुछ करना चाहिए, समथिंग आई नीड टू डू, कुछ क्रिएटिव करो, लाइफ एक ही मिलती है तो थोड़ा अच्छा करते हैं, कुछ नाम कमाते हैं तो बिहारी फूड। मैम आपने रेस्टोरेंट बोला क्या खा और सर आए, मतलब मेरे लिए तो एक सपने की तरह, मैं सोच भी नहीं सकती थी कि आएंगे और मेरे किचन में आएंगे, मतलब इट्स ए ड्रीम कम ट्रू, मतलब ड्रीम में भी मैंने नहीं सोचा था। बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद सर कि आप मेरे किचन में आए, मतलब इट्स ए ग्रेट 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 मोमेंट फॉर मी। क्या कुछ खास रहेगा इस किचन में? आपको जो देसी स्वाद मिलेगा आप उसे बहुत इंजॉय करेंगे। है बहुत सिंपल सी चीज़ें जो हम बचपन से खाते आए हैं, चूरा, बादाम, घुगनी मटर की, ठेकुआ, ये टमाटर की खट्टी मीठी चटनी है, लिट्टी चोखा है और हमारे यहाँ समोसा और कचौड़ी जो है सत्तू की, सत्तू के पराठे, आलू की सब्जी थोड़े अलग अंदाज में पचफोरन के छौंक के साथ मिलेंगे तो वो स्वाद ही लाजवाब होगा, हमें तो पसंद है, मुझे आशा आप लोग सभी लोग पसंद करेंगे। ये पचफोरन थोड़ी सर, आज बिहारी किचन का यहाँ पे उद्घाटन हुआ है सेक्टर 41 में, आप आए हैं काफ़ी दूर लंबा सफ़र करके, क्या अनुभव है और क्या कहना चाहेंगे? देखिए मुझे बहुत खुशी है कि जब भी घर की याद आएगी अब मुझे इस बात की खुशी है कि जब भी बिहार की घर की याद आएगी, अपने बिहार का खाना याद आएगा, तो बिहार न जाते हुए नोएडा में बिहारी किचन में मधुलता जी के आ जाएंगे और यहीं पर लिट्टी चोखा, शाम का नाश्ता, ठेकुआ, समोसे और कचौड़ियां सब कुछ यहीं मिल जाएगी, तो ये तो बहुत बड़ी बात है। हर जगह लोग साउथ इंडियन किचन के बारे में सुनते हैं, सागर रत्ना में जाते हैं, सवर्णा भवन में जाते हैं, कई लोग हैं जो बिहार के हैं उनको यहाँ जो कारीगर भी आए हैं वो कारीगर भी बिहार से आए तो उनके हाथ की जो खुशबू है वो भी बिहार की होगी, मालकन जो है वो भी बिहारी हैं, फूड भी बिहारी है, तो ये हम बिहार के लोगों का जो फूड है उसके बारे में लोगों को लगता है कि सिर्फ हम बिहारी लिट्टी चोखा जानते हैं, लिट्टी चोखा तो हमारा मशहूर है, ये लोग कहते हैं इंटरनेशनल लिट्टी चोखा, जे न खैलस पैलस धोखा तो ये तो है ही, लेकिन ये मिथिला के हैं, मेरे ही ज़िला के, सुपौल सहरसा का इलाका है, वहाँ की भी बहुत सी चीज़ें हैं। अब ये लोग, अब शाम का जो नाश्ता होता है बिहार में
वो चूरा के साथ होता है। सबसे मशहूर चूरा तो बेतिया का और भागलपुर का कतरनी का चूरा होता है, और उसके साथ हरा चना बिहार में बहुत चलता है, जो दिल्ली में ज़्यादा लोग नाश्ते में नहीं खाते। तो मैंने मधुलता जी से कहा कि हरा चना भी खिलाइए लोगों को। हम लोग भी जब भी नोएडा आएंगे तो बिहारी किचन ज़रूर आएंगे। जो लोग भी मेरी बात सुन रहे हैं, चाहे वो बिहारी हों या नॉन बिहारी हों, अगर बिहार का स्वाद लेना है तो बिहारी किचन में यहाँ तशरीफ़ लाइए, और आपको लगेगा जैसे हम घर आ गए हैं।